तो गाइस बजाज ने लॉन्च कर दिया दो नई बाइक्स जो कि यार बजाज पल्सर N150 और बजाज पल्सर N160 के टॉप वेरिएंट और विद अपडेटेड फीचर्स। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नए बजाज पल्सर N150 और N160 में आप लोग को देखने को क्या क्या मिलती है, क्या क्या अपडेटेड फीचर्स है, कितने प्राइस पॉइंट में आती है, सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि यार बजाज पल्सर N150 और 160 के लवर्स बहुत ज्यादा है, उनके लिए ये बेहतरीन वीडियो होने वाला है। तो बिना कोई बकचोदी के लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बजाज पल्सर N150 और N160 का जो बेस वेरिएंट मॉडल आते थे वो आपके 2023 के मॉडल के जो प्राइस आते थे उसी के सेम रहेंगे, लेकिन जो टॉप वेरिएंट्स आते हैं जिसमें आप लोग को नए स्पेसिफिकेशंस, नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, उसमें आप लोग को थोड़ी बहुत प्राइस चेंज देखने को मिलती है। सबसे पहले इन दो नई बाइक्स जो कि यार टॉप वेरिएंट्स के नाम से आई हैं इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, इसका प्राइस पॉइंट बता दूं आप लोग को N150 जो कि यार 1,24,000 में देखने को मिलती है और आप लोगों को N160 जो कि यार 1,33,000 में देखने को मिलती है। अब गाइस इसका जो प्राइस पॉइंट है इतना बढ़ाने का ये मतलब है कि आप लोगों को इसमें नए फीचर्स, नए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और इन टॉप वेरिएंट्स में आप लोगों को बहुत सारी ऐसी फीचर्स मिलती है जो आप लोगों को बेस वेरिएंट्स में देखने को नहीं मिलती है। सबसे पहला मेजर चेंज जो कि यार टॉप वेरिएंट में आप लोगों को देखने को मिलती है वो है आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आप लोगों को फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलती है। आपके पुराने वाले में आप लोगों को सेमी डिजिटल वाला इंस्ट्रूमेंटल कंसोल देखने को मिलता था, लेकिन इसमें आप लोगों को डिजिटल वाला इंस्ट्रूमेंटल कंसोल देखने को मिलता है। टॉप वेरिएंट में आप लोगों को N150 में आप लोगों को रियर में डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलता है, जिसके कारण आप लोगों की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है। और N160 में आप लोगों को डुअल चैनल ABS का मॉडल मिल जाता है जो कि यार स्टैंडर्ड वेरिएंट है। और जैसे कि बात करूं, आप लोग सोच रहे होंगे आप लोगों को USD फोक्स क्यों नहीं मिलते, शायद अपकमिंग बाइक्स में आप लोगों को N250 में आप लोगों को USD फोक्स देखने को मिल जाएंगे। और ये अपडेटेड फीचर्स जो कि यार टॉप वेरिएंट्स में देखने को मिलती है वो तो आप लोगों को बता ही दिया था, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल LCD यूनिट के साथ जो कि सपोर्ट करता है आप लोग का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स, और तो और स्मार्टफोन के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है जो कि यार बजाज राइज कनेक्ट ऐप के साथ आप लोग को देखने को मिलती है। इस कनेक्ट के थ्रू आप लोगों को कॉल अलर्ट्स, मोबाइल नोटिफिकेशन अलर्ट्स, मोबाइल बैटरी हेल्थ, मोबाइल सिग्नल की फीचर्स और बहुत सारी फीचर्स देखने को मिल जाती है। और तो और इसके जो लेफ्ट साइड में आप लोग को एक मोड बटन देखने को मिलती है जो आप लोग को सीधा इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की ओर लेके चला जाता है। और आप लोग को एक बात और बता दूं, आप लोग को इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम का ऑप्शन नहीं है, शायद इन फ्यूचर आप लोग को देखने को मिल जाएगी। बाकी यार यही था इस अपडेट में, N150 और N160 का टॉप वेरिएंट आ चुका है, आप लोग जाके बुकिंग कर सकते हो और इस बाइक को ले सकते हो। और तो थोड़ी बहुत प्राइस चेंज हुई है जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, और इसमें आप लोग को सिंपली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स के साथ नया इंस्ट्रूमेंटल कंसोल भी देखने को मिलती है। तो गाइस आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, N150 और N160 के लवर्स प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और तो और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो फॉलो कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ। Till then, bye-bye, take care, guys.